प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े भाई प्रहलाद मोदी के आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब चौकीदार मिलकर नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। प्रहलाद मोदी बांसवाड़ा में उत्तम स्वामी के आश्रम एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हुए थे, तब प्रताप भाजपा नेताओं ने उन्हें प्रतापगढ़ आने के लिए आमंत्रित किया। भीलवाड़ा जाने से पूर्व प्रहलाद मोदी कुछ देर के लिए प्रतापगढ़ आए। भाजपा नेता अरुण छोरिया के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने मोदी की बात की, मोदी है तो मुमकिन है कि नारे भी लगाए। पत्रकार से बातचीत में प्रहलाद मोदी ने कहा कि प्रतापगढ़ में भाजपा और एनडीए पर भरोसा करने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो मुझे लगता है कि वे मेरे समाज के हैं, मेरे परिवार के हैं, तो उन्हें मिलने चले आया। प्रतापगढ़ के भाजपा ने अपनी सीट गंवा दी है, लेकिन लोकसभा में जीत वापस मिलेगी। देश को नशा कराने वाला है तो फिर नशा तो हो गया ना। पानी दे दो। अधिक नीचे कर लीजिए प्लीज। बताएं सर, आपके प्रतापगढ़ आगमन के बारे में बताएं। मैं होली पर्व पर उत्तम स्वामी के आश्रम में बांसवाड़ा आया था। भीलवाड़ा जाने की इच्छा हुई तो बीच में प्रतापगढ़ के लोगों को पता लगा और उनका प्रेम टेलीफोन पे सुनकर ऐसा लगा कि मुझे प्रतापगढ़ जाना चाहिए और मैं प्रतापगढ़ में आया हूँ जी। और क्या खास रहेगा आपके यहाँ आने के बाद? मैं प्रतापगढ़ में रहते हुए
मेरे समाज के बांधवों को मिलना चाहता था कई दिनों से। साथ में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पे भरोसा करने वाले लोग, सुना है कि प्रतापगढ़ में ज़्यादा है, तो लगता है कि वो भी मेरे परिवार के हैं, मेरे समाज के हैं, तो मुझे उन लोगों को मिलना चाहिए, ये मैं मेरा धर्म समझता हूँ। और इसी के कारण मैं मेरी जात को नहीं रोक सका, और ये जो बताया वो सब मेरे परिवार के बांधवों को, भाइयों को, बहनों को मिलने के लिए आया। यहाँ दूसरी एक बात मुझे महसूस हुई कि यहाँ वाल्मीकि समाज के कुछ लोग भी आए, और उन्होंने पंत प्रधान पर जो भरोसा रखा है उसमें बढ़ोतरी की, आज मेरा स्वागत करके, ये भी मेरे लिए गौरव की बात है। तो आप भी चुनावी यात्रा पर हैं? चुनावी यात्रा तो जब परिवार का लोग घूमता है तो समझ लेने का थोड़ा कुछ तो रहेगा ना। क्या लग रहा है सर आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में, आपको क्या लगता है? अभी 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 हमें बताने में थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, आप अपना नहीं, लेकिन आप बताओ ना, फिर मैं मेरी जल्दबाजी खत्म कर दूंगा। अभी तो सभी चौकीदार बने हुए हैं, बस तो समझ लो कि अब देश की रक्षा करने के लिए सब आगे आए हैं, तो फिर पंत प्रधान भी उसका सर सेनापति ऐसा ही होना चाहिए। तो मुकरर कर चुके हैं, हिंदुस्तान की पूरी जनता ने मुकरर कर रखा है अपने दिल में। लेकिन जहाँ बैठे हैं वहाँ तो आपने सीट गंवा दी विधानसभा चुनाव में। ये सीट गई तो भले गई, लोकसभा में नहीं जाएगी, पूरा भरोसा है। ये तो मुमकिन है।